नमस्ते दोस्तों, द ट्रेडिंग गेम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जो भी हमारा फ्रेंड्स इस चैनल में नए आए हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इस चैनल द ट्रेडिंग गेम आपको स्टॉक मार्केट में अपडेट करने के लिए बनाया हूं। इस चैनल में आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब न्यूज़, टेक्निकल इंडिकेटर्स और कोई एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ साथ फाइनेंशियल नॉलेज बांटने का भी ट्राई कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट और मोटिवेशन दे दीजिए चैनल सब्सक्राइब करने से, और एग्जिस्टिंग मेंबर्स को एक बड़ी थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। तो अभी सीधा चलते हैं आज के टॉपिक पे, वो है द ट्रेड टाइमिंग्स ऑफ द इंडियन मार्केट। मतलब अभी जो भी इंडियन मार्केट का ट्रेड टाइमिंग्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका रीज़न ये है कि कुछ न्यूज़ चल रहा है इसके बारे में, तो आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो भी मैं बता रहा हूँ इधर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पर इसका इसके बारे में बहुत ही डीप डिस्कशंस चल रहे हैं। तो एक आपके आपको एक अपडेट करने के लिए इसके इसके बारे में देख रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले एक एक ब्रोकर्स एसोसिएशन है स्टॉक मार्केट का, ये तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। एक एसोसिएशन है और उसको बोलते हैं कि एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया, ये वाला, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि ANMI। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है, ये सारा ब्रोकर्स जो है उसको एक इकट्ठा करके ये वाला एसोसिएशन है। तो अभी इनका ये मांग ये है कि सेबी से और जो भी अभी स्टॉक मार्केट का टाइमिंग जो है 9 बजे से 3:30 तक, उसको कट करने के लिए अभी ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेबी से। ठीक है, अभी जो भी टाइमिंग्स है, फिर से बोल रहा हूँ, 9 बजे से 3:30 का जो भी रेगुलर इक्विटी का जो भी टाइमिंग है उसको कट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है पूरा देश पर, और जो भी ये जो काम है, स्पेशली द वर्कर्स जो भी इधर काम करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स ऑफिस में, तो इनका आज 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 भी बहुत सारे ऐसा लाइक काम रहता है कि ऑनलाइन कर नहीं सकते। मतलब पेपर वर्क बहुत ज़्यादा रहता है इन लोगों का, तो इन लोगों को बहुत मुश्किल मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए ब्रोकर्स एसोसिएशन ने सेबी को रिक्वेस्ट कर रहा है। पॉइंट्स देखते हैं एक के बाद एक, जो जो पॉइंट्स है। तो पहले क्या मैंने बताया कि ANMI ने स्टॉक मार्केट टाइमिंग्स के बारे में सेबी को रिक्वेस्ट किया हुआ है। जो रिक्वेस्टेड टाइमिंग्स है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मतलब अभी जो भी टाइमिंग है 9 बजे से 3:30 तक, उसको चेंज करके 10 से 2 बजे तक करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पहली बार नहीं है जो ANMI ने सभी को रिक्वेस्ट किया है जो भी टाइमिंग्स चेंज के बारे में। पहले 2 बार ऑलरेडी लाइक इसने रिक्वेस्ट कर चुका था ANMI ने सभी को, पर वो जो रिक्वेस्ट था वो चेंज के लिए नहीं था, वो टाइमिंग चेंज के लिए नहीं था, पर पूरा मार्केट बंद करने के लिए एक रिक्वेस्ट था, पर उसको सेबी ने पूरा तिरस्कार कर लिया। तो इसलिए अभी ये फिर से नया वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पे टाइमिंग्स चेंज एटलीस्ट ये होगा तो बहुत ही कुछ बेनिफिट हो जाएगा जो भी वर्कर्स है उनके लिए उनके लिए। तो इसीलिए ये वाला रिक्वेस्ट किया गया। तो और एक बार इधर एक बार बोलना चाहता हूँ कि ये वाला अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये हो सकता है क्योंकि ये जो सेबी के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा, पर अभी तक ये हुआ नहीं है, हो सकता है। मैं इसीलिए आपको इधर बताने आया हूँ कि अगर ये हो गए तो दिस शुड नॉट बी शॉकिंग फॉर यू, इसके लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही प्लानिंग किए रहते हैं। तो इसलिए अगर ये होगा तो भी आप इसके हिसाब से प्लानिंग कर दीजिए। तो इसीलिए मैं आपको एक पहले एक फ्रंट एक आइडिया देने के लिए आया हूँ इधर। तो ये अभी तक हुआ नहीं है, सेबी इज स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड इट विल कम बैक विथ इट्स डिसीजन। तो सेबी के ऊपर पूरा डिपेंड है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में।